Assalamualaikum guys, my name is Mohammed Mubashir Irfan. You're watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the market updates. I hope आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज की वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है. और बिटकॉइन की कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स कि क्या यहाँ पे बिटकॉइन गिर जाएगा या पम्प कर देगा, क्योंकि अभी ना मैं एक ऐसी जगह पर आके स्टक के लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने 3 डेज़ का चार्ट खोला और ये जो एक कैंडल है ये पिछले 3 दिन का ट्रेंड बताती है. ठीक है, यहाँ पर अगर आप कैंडल्स को काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5 तो ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि आधे महीने से मार्केट जो है वो इसी जोन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रही है. अगर आप इस जोन का एक लोअर एरिया देखेंगे तो 29,500 बन जाता है. ठीक है, और अगर आप एक हायर एरिया की तरफ चलते हैं तो वो यहाँ पे आपके पास बन जाता है जो कि रिसेंटली मंडे को लगा 31,500. तो जो बिटकॉइन है ना आपके पास वो इन्हीं 6% की मूव के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और शायद ये कंसोलिडेट मजीद भी कर सकता है जैसे इसने यहाँ पर किया था. ठीक है आपके पास, लेकिन ये भी कम था, ये कुछ ज़्यादा कंसोलिडेशन जो है इस वक्त यहाँ पर हो रही है. तो ये क्या चीज़ जो है वो बता रही है, इस ट्रेंड को हम कहते हैं जिसमें मार्केट एक तो आपके पास होता है अप ट्रेंड. ठीक है, लाइक जिसमें आप देखेंगे कि मार्केट अपना हायर हाई हायर लो फिर हायर हाई हायर लो बनाती है. ठीक है, अब एक्सपेक्टेड जब आपके पास ये लास्ट हायर हाई जो था आपका वो ब्रेक होगा तो आपके पास एक न्यू हायर हाई बनता है. ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है. बट इफ मार्केट आपके पास यहाँ पे चल रही है एक साइड वेव्स के अंदर, यहाँ पे आपके पास वेव्स बन रही है. देखिए अगर आप गौर से तो यहाँ पे आपके पास जो एक वेव्स बन रही है, 3 आवर्स का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है जिसमें मार्केट आपके पास बस एक साइड वेव्स ट्रेंड बना रही है. मतलब ना कोई लोअर लो ना कोई लोअर है, बस मार्केट जो है आपके पास कंसोलिडेट कर रही है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन. तो मार्केट पिछले 15 दिनों से यहाँ पे आपके पास जो है वो कंसोलिडेशन मूड के अंदर जो है वो चल रही है. अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है बिटकॉइन का, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे नजरसानी करते हैं 3 डे का चार्ट या 1 डे चार्ट तो हमें काफी ज्यादा इंडिकेशंस ये मिलती हैं कि बिटकॉइन जो है वो बेयरिश है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप RSI को ओपन करेंगे 3 डे के अंदर, किसी भी के अंदर स्टोचेस्टिक खोल लें, नॉर्मल RSI खोल लें, तो वो आपको ये बताती है कि बिटकॉइन जो है वो ओवरबायड है. ठीक है, 1 डे के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे सेट है, 3 डेज वीकली मामला के अंदर जो मामला है वो थोड़ा सा ज़्यादा खराब है. लेकिन आपको पता है कि मैं RSI वगैरह इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा जो है वो बिलीव नहीं करता जितना मैं वेट यहाँ पे देखता हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर या चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इंडिकेटर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको वो मूव बताते हैं जो कि हो चुकी है. इंडिकेटर्स आपको करेंगे कन्फ्यूज, किसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये मूव दिखाएंगे, किसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको अलग मूव दिखाएंगे, किसी टाइम फ्रेम के अंदर ये बुलिश होंगे, किसी टाइम फ्रेम के अंदर ये बेयरिश होंगे. तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स पर रिलाई नहीं करना, लेकिन एक इंडिकेशन ये है कि इंडिकेटर्स भी इस वक्त बेयरिश हुए हैं. सही है, सेकंड थिंग इज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक राइजिंग वेज पैटर्न आपके पास वीकली लेवल के ऊपर जो वो फॉर्म होता है वो आपको नजर आ रहा होगा, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे थंबनेल के अंदर भी अटैच किया है, जिसको देखिए काफी लोग जो है वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर डर जाते हैं हम, सॉरी कि सर ये आप डरा क्यों रहे हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक राइजिंग वेज पैटर्न भी आपके पास बन रहा है. ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, ये चीजें सारी की सारी मैं पढ़ाता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर. आप वहां पर जाके आप मेरी रील्स वाले सेक्शन में जाएंगे, आप वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, ये राइजिंग वेज सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई हुई है बिल्कुल फ्री में. यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजिंग वेज मैंने अपनी वीडियो के अंदर जो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है और ये सारी चीजें बिटकॉइन होल्डिंग क्या होती है, एक लेटेस्ट वीडियो मेरी आई है वो आप जाके देख सकते हैं. तो ये सारी चीज है. तो फिलहाल BTC आपके पास एक राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है. सेकंड थिंग इज यहाँ पे मैं आपको शायद 200-300 दफा बता चुका हूँ कि आपके पास जो ये जोन बन रहा है ना, ये वाला ये आपका है ऑलमोस्ट लास्ट रैली का बॉटम. तो ये अभी आपके पास सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे BTC इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और ब्रेक ना करने की वजह से यहाँ पे एक और बेयरिश पैटर्न बन रहा है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर डबल टॉप. डबल टॉप भी मैंने वीडियो के अंदर जो है वो उसके अंदर पढ़ाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, वरना एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं. तो ये 2-4 चीजें हैं जो कि मार्केट को इस वक्त डरा रही हैं. तो बिटकॉइन आपके पास कहां तक सेफ है, बिटकॉइन मैंने आपको बताया आपके पास उस वक्त तक सेफ है जब तक बिटकॉइन अपना एरिया जो है वो 28,600 को होल्ड करता है, मार्केट जो है वो सेफ है. यहाँ पे आपके पास एक करेक्शन वीक लग सकती है, देन वापस हम अप ट्रेंड की तरफ जो है वो कंटिन्यूएशन में आ सकते हैं. ठीक है, फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि बिटकॉइन किसी भी सूरत में अपना 28,600-500 वाला एरिया जो है वो लूज ना करे, और बिटकॉइन को अगर ब्रेकआउट करना है तो अपना जो एरिया है 31,500-32,000 इसके अबव एक डेली क्लोज दे, ताकि हमारे पास एक प्योर इंडिकेशन मिले कि जी हाँ आपके पास जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो चुका है, नाउ वी आर अबव द सप्लाई जोन, अब ये जो है आपके पास एक डिमांड जोन है, देन आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग एंट्रीज जो है वो बना सकते हैं. लेकिन मार्केट इस तरीके से घिर रही है और हम अपने प्रीमियम के अंदर आज हमने कॉल दी लीना की, आप देख सकते हैं 1300 पर हमने बाई किया, 13500 इसकी पहली टीपी थी 6% की और माशाल्लाह से वो अचीव हुई. यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के किस तरीके से प्रॉफिट हुए, $78 30% प्रॉफिट, $27
317% प्रॉफिट, 87% प्रॉफिट, 55, 37, यहाँ पे लोगों के माशाल्लाह इस तरीके से, इन्होंने देखे $100 लगा के $85 अर्न किए, तो लोग माशाल्लाह इस तरीके से जो है यहाँ पे अर्निंग करें। हमारे प्रीमियम के अंदर इस वक्त 2500 से प्लस बंदा है और आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। बाकी टेलीग्राम के अंदर कल मैंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉइस नोट आप सबके लिए ड्रॉप किया था, जिसको सुनना आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम के अंदर हम लोग फ्री सिग्नल्स देते हैं यहाँ पे, गाइस कीप योर आइज़ ऑन लाज़ियो एंड सेंटोस, और यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर में शो जो है वो स्टार्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आपको जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, चीज़ें सिखा रहे होते हैं। तो टेलीग्राम कम्युनिटी अगर आपके पास बैन है तो आप हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी सेम हमने ये वॉइस नोट हर चीज़ यहाँ पर हम लोग सेम जो है वो एज इट इज़ हम लोग जो है यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट की अपडेट्स सिंपल सी हैं, सिंपल सिनेरियो 71,500 के अबव क्लोजिंग होती है, आप लॉन्ग कर सकते हैं या आप एंट्रीज बना सकते हैं रिट्रेसमेंट के ऊपर, ओके। और अगर क्लोजिंग नहीं होती तो आपका जो टारगेट 28,600 तक ही रहना चाहिए, मार्केट कंसोलिडेट करेगी। यूएसडी डोमिनेंस की तरफ अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा चल लूँ तो यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस को भी रिजेक्शन मिल रही है, जिसका रीज़न हम यहाँ पे देखेंगे कि एक रिएक्शन आएगा ऑल्ट कॉइंस के अंदर, और ऑल्ट कॉइंस आहिस्ता आहिस्ता करके गैप बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यूएसडी की डोमिनेंस को भी चाहिए कि वो अपना 7% वाला जो जोन है उसको ब्रेक कर दे और वो नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो उतना ही चांसेस होगा बिटकॉइन की डोमिनेंस का अबव जाने, सॉरी बिटकॉइन का, बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर अबव जाएगी तो बिटकॉइन साइड से बात ऊपर जाएगा, तो आपके पास एक मार्केट के अंदर फंड आता हुआ जो है वो नजर आएगा। फिलहाल वीकेंड्स की वजह से भी मार्केट स्टक है, और अगर वीकेंड्स नहीं भी हैं तो मार्केट के अंदर कोई खास इतनी मूव नहीं आ रही है। तो अच्छे अच्छे ऑल्ट्स फाइंड करें या आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके की ट्रेडिंग आपको कराते रहते हैं। ये दिया, इससे पहले हमने आपको यहाँ पे डीगो की ट्रेड दी, वो माशाल्लाह हमारी परफेक्ट गई, उससे लोगों ने बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स बनाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से अपने प्रीमियम के अंदर आपको लेके चलते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए, वहाँ पर भी आपको जो अप टू डेट रखा जाता है। फॉर नाउ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।